एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आगामी त्योहारों को लेकर जनपद के डीजे संचालकों के साथ एनएक्सी भवन में बैठक की, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद के सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी डीजे संचालकों को उच्च न्यायालय के गाइडलाइन से अवगत करवाया गया है और सभी को बताया गया है कि दो से ज़्यादा स्पीकर नहीं बजाएंगे और जो समय निर्धारित है उस समय का ध्यान रखते हुए डीजे बजाएंगे। इसके अलावा पंडाल में भी दो से ज़्यादा स्पीकर नहीं बजाएंगे और न ही मूर्ति के साथ में दो से ज़्यादा स्पीकर लेकर जाएंगे और हाइट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी डीजे ऑपरेटर अश्लील व फूहड़ गाने नहीं बजाएगा जिससे किसी की भावनाओं को आहत हो। जो मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उनसे भी कहा गया है कि वह लोग डीजे संचालकों के ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना बनाएं कि ज़्यादा स्पीकर लगाएं, क्योंकि ये एक त्यौहार है, ये एक गरिमा में ही मनाया जाना चाहिए जिससे किसी छोटे बच्चे बड़े बूढ़े को किसी तरह की दिक्कत ना हो और सभी लोग चैन से सोएं। उन्होंने कहा आने वाले त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, आज सर्किट हाउस के एनएक्सी भवन में जनपद के जितने भी डीजे बजाने वाले लोग हैं उन सबको बुलाया गया था। उनको महत्वपूर्ण जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं उन सबसे अवगत कराया गया। सबको बताया गया है कि दो से ज़्यादा स्पीकर वो नहीं बजाएंगे, अपने टाइमलाइन का भी उसको अधेर करेंगे, पांडाल्स वगैरह में भी दो से ज़्यादा स्पीकर नहीं बजाएंगे, ना ही मूर्ति के साथ में वो दो से ज़्यादा स्पीकर लेके जाएंगे। हाइट भी है उसकी, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कम स्तर पे हाइट रहे उसकी। अश्लील और फूहड़ गाने ना बजाएं वो, उसके लिए भी उनको बताया गया है ताकि किसी भी वजह से लॉ एंड ऑर्डर या धार्मिक उन्माद फैलने की कोई आशंका हो। इस तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से अवगत कराया गया है। साथ में साथ जो मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उन लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि आप इन लोगों के ऊपर नाजायज़ प्रेशर ना बनाएं, किसी प्रकार के ज़्यादा या किसी होड़ में ना रहें ज़्यादा ज़्यादा स्पीकर लगाने की वजह से। ये सभी लोगों को जानना ज़रूरी है कि एक त्यौहार है, त्यौहार को उसकी गरिमा में ही मनाया जाना चाहिए। छोटे बच्चे या बड़े या बूढ़े उन लोगों को किसी प्रकार की कोई हियरिंग में डिसेबिलिटी ना हो, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो और सभी लोग चैन सुख से सोएं और सभी लोग एक साथ अच्छे से कोएग्जिस्टेंस में रहें, इसीलिए ये मीटिंग बुलाया गया था। उन सभी को रूल्स एंड रेगुलेशन अवगत कराया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से निपटेगा और जो भी नॉइस पॉल्यूशन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं जो लोगों की उत्तेजना थी उसके लिए भी मुझे लगता है कि ये सही कदम है।